एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 6 कुर्तीज दिखाने वाली हूँ अमेजोन से। बट इन कुर्तीज को आपको बाय कैसे करना है सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक है, वो सिंगल लिंक मेरे स्टोर का लिंक है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक बहुत बढ़िया सा स्टोर आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और ये जितनी भी कुर्तीज है या और जो कुर्तीज मैं रिकमेंड करती हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में निकली है, वो सारी कुर्तीज के मेरे ही वेयर किए हुए पिक्चर्स आपको मेरे स्टोर में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी कुर्ती पसंद आया, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी पिक्चर पे क्लिक करना है और उस कुर्ती को डायरेक्टली अमेजोन से बाय करना है। बहुत आसान है बाय करना। तो चलिए हॉल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टोर में अगर आपको कोई भी फोटोग्राफ मेरी पसंद आती है तो आप उसे एक हार्ट भी दे सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये हॉल वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये गुलमोहर की कुर्ती है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से नेकलाइन में आपको डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखिए, ऑल ओवर कुर्ती में आपको इस तरीके से फ्लावर प्रिंट मिल जाता है। ये कुर्ती मैंने स्मॉल साइज में बाय की है। और यहाँ पे आप देखिए, 2 शेड है। ये एक वाइट कलर का प्रिंटेड है, वाइट बेस पे आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पीच बेस पे आपको फ्लावर्स मिलते हैं। कुर्ती का फिट A1 है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से इस कुर्ती का नेकलाइन है। 3/4 आपको इस कुर्ती की स्लीव्स मिल जाती है यहाँ पे, और एंड में आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाता है इस तरीके से फ्लावर। और यहाँ पे आप ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक टैसल मिलता है डोरी के साथ में लगाने के लिए, बांधने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए, घेरदार अनारकली कुर्ती है ये। ऑल ओवर कुर्ती में आपको इस तरीके का फ्लावर प्रिंट मिलता है। कुर्ती कॉटन मटेरियल की है, पहनने के बाद में बहुत अच्छी लग रही है। इस तरीके से इसमें इतना अच्छा वाला बहुत घेरदार घेर है। और यहाँ पे एंड में आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा इस तरीके से आपको बॉर्डर मिल जाता है। गुलमोहर की कुर्तीज का एक बात तो कहना पड़ेगा कि इनका जो फिट आता है पहनने के बाद वो बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट आपको खुद भी लगेगा कि यार ये कुर्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी एलिगेंट लग रही हैं। इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, फिट बहुत अच्छा आता है। तो मेरी तरफ से तो ये कुर्ती मस्ट बाय है, आप ज़रूर इसे परचेज़ कीजिए। और ये कुर्ती जो थी कुछ अराउंड 550 या 600 की थी, जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊँगी, क्योंकि आज के हॉल वीडियो में 6-7 कुर्तीज हैं तो मैं थोड़ा सा मिस हो सकती हूँ प्राइस से। तो आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, मैंने जितने का भी बाय किया होगा आप उतने ही प्राइस में चाहें तो ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अमेजोन पे कल से एक सेल स्टार्ट हो रही है, ग्रैंड सेल। जी हाँ, 12 बजे से, यानी कि 19 तारीख को 12 बजे से ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। प्राइम मेंबर्स के लिए भी सेल है, नॉर्मल लोग भी इसमें परचेज कर सकते हैं। तो डील्स बहुत अच्छी चलने वाली है, तो आप चाहें तो आराम से जी भर के इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल्स की शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, होम अप्लायंसेस, होम डेकोर की, तो जो आपको पसंद आए आप आपके लिए शॉप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ये सेकंड कुर्ती है वो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। ये भी गुलमोहर की है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें ना प्रिंट है ट्रायंगल ट्रायंगल में। ये भी स्मॉल साइज में मैंने ली है, और इस तरीके से इसकी 3/4 स्लीव्स है। और ऑल ओवर कुर्ती में आपको सेम प्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा घेरदार अनारकली कुर्ती है, इसमें बहुत अच्छा वाला घेर है। इसका तो फिट मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना कमाल लग रहा था। पहनने के बाद ये कुर्ती बहुत प्यारी लग रही थी। आप चाहें तो इस कुर्ती को वाइट लेगिंग के साथ में भी पहन सकती हैं, और अगर आप चाहें तो कमर पे यहाँ पे बेल्ट लगा के एक मैक्सी ड्रेस के तरीके से भी इस कुर्ती को पहन सकती हैं। दोनों ही तरीके से पहनी हुई कुर्ती ना बहुत अच्छी लगेगी। मुझे ये कुर्ती बहुत पसंद आई, इसका फिट बहुत अच्छा था। और आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इस कुर्ती में कितना बड़ा वाला घेर था। कॉटन मटेरियल की कुर्ती है, अच्छा मटेरियल है इसका। और ये कुर्ती मुझे 500 रुपीज़ की कुछ मिली थी, जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा वो यहाँ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में ये वाली जो कुर्ती है, इसका मेल आपने मुझे सेंड किया था, ये V22 ब्रांड की है, और इसमें मैंने साइज मीडियम लिया है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, नेक लाइन पे आपको इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है फॉल्स मिरर्स के साथ में। इस तरीके से ऑल ओवर नेक लाइन में आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है। गले में आप देखेंगे तो आपको रेड कलर का बॉर्डर मिलता है।
यहाँ पे ये 3/4 इसकी स्लीव्स है। इसमें यहाँ पे आप देखिए गोल्ड प्रिंट भी है रेड बॉर्डर के साथ में, और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डोरी मिलती है टैसल्स के साथ में, और इस तरीके से ऑल ओवर कुर्ती में आपको ये गोल्ड प्रिंट दिखता है मिलता है। और ये जो गोल्ड प्रिंट है फिलहाल, क्योंकि अभी ये कुर्ती वॉश नहीं हुई है तो मैं सामने से देखूं तो जो गोल्ड प्रिंट इस कुर्ती पे है वो काफ़ी अच्छा है, फाइन है, क्लियर है, मुझे काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है ये कुर्ती। लेकिन गोल्ड प्रिंट कितना ड्यूरेबल है ये तो वॉश के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुर्ती काफ़ी अच्छी लग रही है पहनने के बाद में। तो अगर आपको इस तरीके की गोल्ड प्रिंट की कुर्ती पसंद है तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। वैसे भी मेल आप लोगों ने ही सेंड किया था तभी मैंने इसको मंगाया है। इस कुर्ती का तो कितने टाइम से मेल आ रहा है, तो ये कुर्ती काफ़ी पॉपुलर है अमेजोन पे। इस तरीके से आप देखिए आपको कट मिलता है, स्लिट मिलता है, आप चाहें तो इस कुर्ती के नीचे प्लाजो भी पहन सकते हैं और चाहें तो लेगिंग भी पहन सकते हैं, जेगिंग भी पहन सकते हैं। यहाँ पे वैसे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी में आप देखिए इतने सारे कलर्स हैं, इसमें आपको रेड भी है, ऑरेंज भी है, तो आप जो भी कलर चाहें प्लाजो या लेगिंग का या जेगिंग का वो चाहें तो इसके साथ में मैच कर सकते हैं। रेयन फैब्रिक की है, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी रिसीव हुई है। ये कुर्ती भी आई थिंक शायद 750 या 700 की कुछ थी, एग्जैक्ट प्राइस जो भी होगा वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एक साथ मैंने इतनी सारी कुर्तीज़ को ऑर्डर कर दिया था ना तो मुझे किसी का भी एग्जैक्ट प्राइस याद ही नहीं है, लेकिन हाँ एवरीडे वेयर के हिसाब से ये कुर्तीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आप कोई भी कुर्ती लीजिए, कॉलेज में पहनी है, ऑफिस में पहनी है, या एवरीडे वेयर में घर में आप आराम से जब बैठी हों, कहीं भी बाहर शॉपिंग ग्रोसरी कुछ भी लेने जाना हो, उनके हिसाब से ये कुर्तियाँ काफ़ी अच्छी हैं, मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। इसके बाद में एक बॉटल ग्रीन शरारा सेट है, ये आप देख लीजिए, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे मंगा लिया। नेकलाइन पे आपको इस तरीके से गोटा पट्टी का पैटर्न मिलता है, डिज़ाइन मिलता है। इसकी हाईलाइट जो है सबसे ज़्यादा वो मैं अब आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए इसकी स्लीव्स पे आपको गोटा पट्टी फ्लावर मिलता है विद लीव्स, बहुत अच्छा है इसका ये डिज़ाइन। और नीचे की तरफ इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट ना ये है, आप देखिए इसका गोटा पट्टी से कितना अच्छा इस कुर्ते पे डिज़ाइन बनाया गया है, मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, मुझे लगा शायद आप लोगों को ये डिज़ाइन भी गोटा पट्टी में पसंद आएगा। लेकिन ये जो रेयन फैब्रिक है ये थोड़ा लाइट रेयन फैब्रिक है, और यहाँ पे अब आपको इसका शरारा मैं दिखा देती हूँ। इसका जो शरारा है वो देख लीजिए इस तरीके से स्ट्रेचेबल, इसमें इलास्टिक है कमर में, 38 तक आपकी कमर हो तो आपको आराम से आ जाएगा। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो शरारे की एक लेग में आपको इतना स्पेस मिल जाता है, और इसमें भी आपको एम्ब्रॉयडरी विद गोटा पट्टी का इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है, ये आपको आगे भी मिलता है और इस तरीके से आपको ये पीछे की तरफ भी मिलता है। पहनने के बाद में तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसका फिट भी बहुत अच्छा आया, ये मैंने मीडियम साइज में लिया था, इसमें आई गेस स्मॉल नहीं आता है, तो अगर आपकी हेल्थ मेरे जैसी हो तो आप आपके लिए मीडियम बाय कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पतली हैं लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपको इसे थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा। इसका भी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं यहाँ स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिए। अब इसके बाद में ये एक और गुलमोहर की कुर्ती है, क्योंकि क्या है ना गुलमोहर इतना फेमस चल रहा है कि मेरा तो जो जीमेल है वो ना सिर्फ और सिर्फ गुलमोहर की कुर्ती से ही भरा रहता है कि इसका रिव्यू कर दीजिए, इसका रिव्यू कर दीजिए। तो ये देख लीजिए आप, ये एक और कॉटन मटेरियल की कुर्ती है गुलमोहर की, इस तरीके से इसका नेकलाइन है और इसमें आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है अम्बी अम्बी वाला, बहुत अच्छी है कुर्ती ये। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बहुत फाइन इसमें प्रिंट मिल जाता है, अच्छी है इस ये वाली जो कुर्ती है ना इसमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी घेर है थोड़ा बहुत, तो ये भी पहनी हुई अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा वाइड घेर नहीं है, जो बहुत ज़्यादा घेरदार अनारकली नहीं होती वैसी नहीं है, बट ये भी अनारकली है, इसमें भी घेर है। और ये कुर्ती तो बहुत सस्ती थी, ये तो कुछ अराउंड 500 में ही थी, लेकिन एवरीडे वेयर के हिसाब से कुर्ती जो है इसका भी फिट बहुत अच्छा है, स्टिचिंग बहुत अच्छा है, और कॉटन मटेरियल की है तो पहनने के बाद में फील भी इस कुर्ती का बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी कुर्ती इनमें से ले, स्पेशली अगर आप गुलमोहर की लेते हैं तो उसका स्टिचिंग फिटिंग बहुत अच्छा है, पहनने के बाद में लुक वाव लगता है। चाहे अपन को ना जब ये कुर्ती रिसीव हो अपन को लगे यार क्या कुर्ती है ये, लेकिन पहनने के बाद में आई डोंट नो गुलमोहर की कुर्तियाँ अच्छी लगती है पहले कभी भी मैं देखूँ ना तो ऐसा लगता है यार ठीक है ठीक आई है, लेकिन पहनने के बाद में मेरा ओपिनियन टोटली चेंज हो जाता है, इनका लुक ना बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद में, अलग ही लेवल पे चला जाता है, लगता है यार कितनी इंडियन है यार,
कितना सही लग रहा है यार, इसका घेर तो बहुत सही है यार, इसका तो फिट बहुत सही है यार, इसलिए मुझे गुलमोहर की कुर्तियाँ पसंद आती है। आपको दो गुलमोहर की कुर्तियों का ट्रायल दिखा रही हूँ। मुझे अब तक भी इनके मेल्स आ रहे हैं कि इनका रिव्यू कर दीजिए। आई गेस जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो इनका रिव्यू चाह रहे हैं। मैं ऑलरेडी अभी इन दो चार दिन पहले ही इनका रिव्यू कर चुकी हूँ। ये देख लीजिए, मैं ट्रायल भी लगा रही हूँ। ये गुलमोहर की बंदेज की कुर्ती है, ये फैबुलस कुर्ती है, 600 रुपये में बहुत 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 बढ़िया कुर्ती है। आप चाहें तो इस कुर्ती को भी बाय कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी कुर्ती है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉटल ग्रीन कुर्ती है, इसकी नेक लाइन पे ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी है। ये भी रेयॉन फैब्रिक की कुर्ती है, बट इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका एम्ब्रॉयडरी आउटस्टैंडिंग है। आप चाहें तो ये कुर्ती भी अपने लिए बाय कर सकती हैं। गुलमोहर की ये दोनों कुर्तियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने मेरे स्टोर का एक सिंगल लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके कोई भी कुर्ती जो भी आपको इस हॉल में से पसंद आ रही है, मेरा फोटो है उन कुर्तियों को पहन के, आप सिर्फ क्लिक कीजिए मेरी फोटो पे और डायरेक्टली आप अमेज़ॉन की साइट पे चली जाएंगी और आप अपनी फेवरेट कुर्ती को बाय कर सकती हैं। और अगर मेरी फोटोग्राफ आपको पसंद आए तो आप उसे एक हार्ट भी दे सकती हैं। बहुत ईजी सा सिंपल सा स्टेप है बाय करने के लिए। आपका भी हैसल मैंने आसान कर दिया और मेरा भी, क्योंकि बहुत सारे लिंक्स जनरेट करने पड़ते थे। अब मैं सिर्फ अपने स्टोर में क्या करती हूँ, फटाफट फोटोग्राफ्स ऐड कर देती हूँ, आपकी भी शॉपिंग आसान हो गई और मेरी भी मेरा भी जो थोड़ा बहुत काम बढ़ रहा था ना वो कम हो गया। और भी मैंने रिकमेंड की है उसमें कुर्तियाँ जो बहुत अच्छी हैं, तो आपको उनमें से भी कोई पसंद आए तो आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट कुर्ती की तरफ, और इसका मेल भी बहुत आया है। ये कुर्ती, हाँ ये कुर्ती भी V22 की है, ये मीडियम साइज में है और यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी नेकलाइन पे कुछ इस तरीके से प्रिंट है। रेयॉन मटेरियल की कुर्ती है, नेकलाइन पे आप देखिए दो आपको पाइपिंग मिलती है और इसमें आपको देखिए कि बटन्स का डिटेलिंग मिलता है और आपको प्रिंट मिलता है चेरी चेरी का, और पीछे की तरफ भी आपको इस तरीके से यही चेरी चेरी का प्रिंट आपको मिलता है। इस तरीके से 3/4 स्लीव्स मिलती हैं आपको, ये पिंक कलर का बॉर्डर मिलता है आपको इसके अंदर, और यहाँ पे आप देखिए ये भी घेरदार अनारकली कुर्ती है। इस तरीके से आपको चुन्नट चुन्नट मिलता है कमर पे, और नीचे की तरफ आपको इस तरीके से कुर्ती में घेर मिलता है, और यहाँ पे आप देखिए आपको नीचे इस तरीके से पिंक कलर का बॉर्डर मिलता है। अच्छी कुर्ती है, एवरीडे वेयर कुर्ती है। रेयॉन फैब्रिक की बात की जाए तो इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है, पहनी हुई भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये कुर्ती भी आई थिंक 700 समथिंग की कुछ थी या 650 की कुछ थी, जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। आई होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे और हॉल वीडियोज़ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लेके आऊँ। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।